नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तेजस्वी चंडोकनैयर। बीजेपी में खास सीटों को लेकर कलह जारी है। वाराणसी से मुरली मनोहर जोशी की टिकट का विवाद अभी थमा भी नहीं था कि बीजेपी में लखनऊ की सीट को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। चर्चा है कि बीजेपी पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह को लखनऊ सीट से चुनाव लड़ाना चाहती है, लेकिन मौजूदा सांसद लालजी टंडन ये सीट छोड़ने को तैयार नहीं। टंडन ने दांव खेला है कि वो ये सीट तभी छोड़ेंगे जब खुद प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी लखनऊ से चुनाव लड़ेंगे। जबकि नरेंद्र मोदी को वाराणसी से चुनाव लड़ाए जाने की चर्चा है और पार्टी के वरिष्ठ नेता और वाराणसी से सांसद मुरली मनोहर जोशी ये सीट छोड़ने को तैयार नहीं है। हालांकि कल मीडिया से बात करते हुए जोशी ने यह जरूर कहा कि वाराणसी का फैसला संसदीय बोर्ड करेगा और वो कोई भी फैसला प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की प्रतिष्ठा को ध्यान में रखकर करेगा। आइए पहले सुनते हैं लालजी टंडन का ताजा बयान, क्या कहना है उनका। मेरी कहीं से दावेदारी नहीं है, मेरा किसी से विरोध नहीं है, मैं किसी को चाहना न चाहने का प्रश्न नहीं है, मेरे सामने कोई इस तरह का प्रस्ताव भी नहीं है, तो मैं उसके ऊपर कोई भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करना चाहता हूं, न मैं किसी को विवाद में घसीटना चाहता हूं कि वो यहां क्यों आ रहे हैं और वो कौन आ रहा है। जब कोई आ ही नहीं रहा है कोई अभी तक, कल पार्टी कोई निर्णय करेगी, वो शिरोधार्य होगा। हालांकि लालजी टंडन के बयान के बाद राजनाथ सिंह की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। राजनाथ ने रटा रटाया जवाब दिया कि संसदीय बोर्ड की इस बाबत सारे फैसले करेगा। प्रत्याशियों का यहां तक संबंध है, प्रत्याशियों के बारे में सेंट्रल इलेक्शन कमेटी ही फैसला करती है, कोई व्यक्ति फैसला इसका नहीं कर सकता, इसलिए इस संबंध में मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा। मैं तो यह कहूंगा कि हमारे बारे में भी जो फैसला करना होगा वह सेंट्रल इलेक्शन कमेटी ही करेगी। और आपको बता दें, इस खबर पर लगातार नजर बनाए हुए हमारे संवाददाता शलभ मणि त्रिपाठी। शलभ, और क्या जानकारी आपके पास? देखिए, टोन डाउन हुआ है। लालजी टंडन की बात करिए या फिर मुरली मनोहर जोशी की बात करिए, कहीं ना कहीं जो सुर हैं वो बदले हैं। पहले मुरली मनोहर जोशी ने बहुत बहुत एग्रेसिव होकर एक तरीके से कहा था कि नहीं, वो यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। और लालजी टंडन, हालांकि उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से नहीं बात की, लेकिन जो खबरें आती थी उनके हवाले से, उनके समर्थकों के हवाले से, वो बार बार ये उनका ये कहना था कि नहीं, वो लखनऊ से ही चुनाव लड़ना चाहते हैं। और बीच में एक बयान ये भी आया था कि अगर मोदी, नरेंद्र मोदी आएंगे तो ही वो सीट छोड़ेंगे, अन्यथा वो सीट यहाँ की नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि चर्चाएं इस बात की भी थी कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह है वो लखनऊ से चुनाव लड़ सकते हैं। तो एक तरीके से लगातार इस तरह के फीडबैक्स मिल रहे थे लालजी टंडन की तरफ से भी, मुरली मनोहर जोशी की तरफ से भी। लेकिन संघ की जो खबरें आ रही है कि संघ का जो दबाव है, संघ ने जिस तरीके से टैकल किया है इस पूरे मसले को, उसके बाद सुर बदला है, टोन डाउन हुआ है नेताओं का। और लालजी टंडन ने साफ कर दिया कि नहीं, उनका कोई भी किसी से विरोध नहीं है, किसी बात की नाराजगी नहीं है। पार्टी का जो भी फैसला होगा वो उनके लिए आखिरी फैसला होगा, लेकिन अभी देखना है कि टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के बाद जो आखिरी फैसला आता है उस पर किस तरह की प्रतिक्रिया आती है। हालांकि बहुत वरिष्ठ नेता है लालजी टंडन और मुरली मनोहर जोशी भी, वो कह जरूर रहे हैं, लेकिन टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में अगर उनको टिकट नहीं मिलता है या पार्टी ये फैसला लेती है कि नहीं उनको चुनाव लड़ना है, तो उसके बाद किस तरह की प्रतिक्रिया सामने आती है ये वक्त बताएगा। बिल्कुल शलभ, यहाँ पे लालजी टंडन और मुरली मनोहर जोशी की बात करें तो काफी लंबे समय से यहाँ पे दोनों सीटों से, वाराणसी और लखनऊ से चुनाव लड़ते आए हैं, वरिष्ठ नेता हैं पार्टी के। नरेंद्र मोदी को वाराणसी से चुनाव लड़ाने की बात समझ में आती है क्योंकि यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा जनाधार और असर छोड़ना चाहती है पार्टी, जहां तक हिंदी हार्टलैंड की बात है, उत्तर प्रदेश और बिहार की बात है। लेकिन शलभ, राजनाथ सिंह को लखनऊ की सीट पर लाना गाजियाबाद से, इसके पीछे क्या तर्क? देखिए, बीजेपी के जो बड़े नेता हैं उनके साथ एक हमेशा से दिक्कत रही है और एक हमेशा से ये इस बात के इल्जाम लगते रहे उनके ऊपर कि जो बड़े नेता हैं वो सेफ सीट तलाशते हैं, सुरक्षित सीट तलाशते हैं, और बजाय इसके कि वो किसी ऐसी जगह पर जाएं जहां पर वो जाकर पार्टी के लिए काम करें, जनाधार बढ़ाएं और उसके बाद चुनाव लड़ें, वो ऐसी जगह पर जाना मुनासिब समझते हैं जहां पर बीजेपी का जनाधार है और जहां पर बीजेपी हमेशा से जीतती रही है। वाराणसी की सीट की अगर बात करिए तो ये भी ऐसी सीट है जहां पर बीजेपी को हमेशा से फतेह मिली है, बीजेपी हमेशा से वहां पर जीतती रही है। और लखनऊ की अगर आप बात करिए तो लखनऊ में भी बीजेपी का हमेशा से जनाधार रहा है, बीजेपी के जो प्रत्याशी है वो लगातार चुनाव यहाँ पर जीतते रहे हैं। तो जो बड़े नेता है उनको लगता है कि इस चुनाव में उनको ऐसी जगह पर जाना चाहिए जहां से आराम से वो चुनाव जीत पाए, और यही वजह है कि ये खबरें आ रही है कि राजनाथ सिंह को लखनऊ से लाया जाए, क्योंकि गाजियाबाद में थोड़ा सा उनको लगता है पार्टी को कि हो सकता है चुनाव उनके लिए मुश्किल हो जाए। बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए शलभ आपका फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। तो गाजियाबाद से खतरा फिलहाल महसूस होता है बीजेपी को, जिसके चलते राजनाथ की अटकलें लगने लगी थी लखनऊ से चुनाव लड़ने की, और उस पर लालजी टंडन का ये बयान। एक तरफ पार्टी के दिग्गज सीटों को लेकर आपस में भिड़े हुए हैं तो दूसरी ओर पार्टी इन विवादों पर पर्दा डालने में जुटी हुई है। यूपी से पार्टी के वरिष्ठ नेता कलराज मिश्र का कहना है कि सीटों को लेकर कहीं कोई कलह है ही नहीं।
आपस की वार्ता हो रही है, किस ढंग से कहां किसको रखने से सामंजस्य की और जीत की अच्छी खासी स्थिति बन सकती है, किसको कहां रखने से ज्यादा उस क्षेत्र में और उसके बगल के क्षेत्रों में प्रभाव पैदा किया जाता है, इस पर विचार करके सारी चीजें चल रही हैं। अब इसको जबरदस्ती हवा में उड़ाकर विवाद का विषय बनाने का प्रयत्न किया जा रहा है, वैसे किसी भी प्रकार का कोई भी विवाद नहीं है। यहाँ पे डैमेज कंट्रोल की कोशिश, फेस सीलिंग की कोशिश कर रहे हैं कलराज मिश्र, जहाँ पे वो ये लोगों के आगे स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि टिकट डिस्ट्रीब्यूशन को लेके, सीटों को लेकर यहाँ पे पार्टी के अंदर वरिष्ठ नेताओं के बीच में कोई कलह नहीं है। हम आपको बीते दो दिनों की यह खबर बता रहे हैं, जहां पे एक तरफ नरेंद्र मोदी की जब वाराणसी से चुनाव लड़ने की चर्चा आई तो मुरली मनोहर जोशी उस पर जरूर गर्म हुए। हालांकि अब उनका मिजाज काफी ठंडा हो गया है और वो इस बात को मानते हैं कि अगर यहां पे पीएम पद के जो उम्मीदवार हैं नरेंद्र मोदी, अगर उनकी प्रतिष्ठा के लिए वाराणसी से उनके चुनाव लड़ने का फैसला लिया जाता है तो वो पार्टी के एक योद्धा होने के नाते उनके हर फैसले पर अमल करेंगे, जो भी पार्टी के हित के लिए होगा, पीएम पद के हित के लिए अच्छा होगा। वहीं पर अब जब राजनाथ सिंह के लखनऊ से चुनाव लड़ने की बात सामने आई तो इस पर अब वहां से हमेशा से ही चुनाव लड़ते आ रहे वहां से बीजेपी के सांसद लालजी टंडन भड़क पड़े और उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ ये सीट छोड़ूंगा तो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी के लिए, राजनाथ सिंह के लिए नहीं। और बीजेपी में जारी इस घमासान पर दूसरे दलों की भी नजर है। कांग्रेस जहां इसे बीजेपी का विरोधाभास बता रही है तो वहीं समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता शाहिद सिद्दीकी का कहना है कि यूपी में मोदी लहर का फायदा हर कोई उठाना चाहता है पर कोई सीट छोड़ने को तैयार ही नहीं। देखिए, सीट वितरण में हमारे को टिप्पणी करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, पार्टी के अंदर की बात है, लेकिन ये सीट वितरण की बात नहीं है, ये सैद्धांतिक बात है, आपसी विरोधाभास है। एक तरफ आप लेक्चर देते हैं, कहानियां सुनाते हैं भ्रष्टाचार की, सांप्रदायिकता के विरोधी की, और दूसरी तरफ आप उन सीटों की, उन उम्मीदवारों की बात करते हैं जिनको, जो लिप्त हैं सांप्रदायिक दंगों में। कि यूपी में इस वक्त मोदी वेव है और इस मोदी वेव में होता यह है कि जब वेव चलती है तो हर आदमी चाहता है कि इस वेव पे सवारी मैं भी कर लूं, जिसे तैरना नहीं आता वो भी सवारी करके पार लगना चाहता है। तो बीजेपी के भी लीडर ये चाह रहे हैं कि मोदी वेव का फायदा तो उठा लें, लेकिन कोई अपनी जगह छोड़ने को, कुर्बानी देने को तैयार नहीं है। पुराने लीडर हैं, उनमें भयभीत हैं, वो उन्हें लगता है कि हमारा क्या होगा कल को,